नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खबर हाट। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी और उसके लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बात करने का मज़ा आएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मदद होगी। दोस्तों कहते हैं ना, जब इंसान हार के डर से सताता है ना, जब इंसान को कोई हार दिख रही है सामने, तो फिर वो बहाने ढूंढना शुरू कर देता है ताकि अपनी हार का ठीकरा किसी और के सिर फोड़ सके। क्या ऐसा ही कुछ स्मृति ईरानी के साथ भी हो रहा है? क्या स्मृति ईरानी ने भी हार माननी शुरू कर दी है? हैरानी होगी ना आपको सुन के। हार भी किससे? किशोरीलाल शर्मा से, जिनको अभी 15-20 दिन पहले तक कोई जानता भी नहीं था। अचानक किशोरीलाल शर्मा राजनीतिक परिदृश्य में आते हैं, कांग्रेस उन्हें उम्मीदवार बनाती है अमेठी से, उसके बाद लोग जानते हैं कि कोई किशोरीलाल शर्मा भी है। कहा स्मृति ईरानी को एक तरफा जीत प्लेट में सजा के दे दिए, लेकिन आज स्मृति ईरानी हार के बहाने ढूंढने लगी है। हार के बाद किसके सर ठीकरा फोड़ना है, क्या ऐसा लग रहा है? क्योंकि स्मृति ईरानी जो इंतज़ार कर रही थी राहुल गांधी का, कि राहुल गांधी फिर आएंगे, एक योजना के तहत उन्हें फंसाएंगे और फिर उन्हें हरा देंगे, लेकिन पासा पड़ गया। उल्टा आ गए किशोरीलाल शर्मा जिनको स्मृति ईरानी के प्यादे कभी मुंशी कहते हैं, कभी क्लर्क कहते हैं, कभी राहुल गांधी का नौकर कहते हैं, इस तरह की संज्ञा से उन्हें संबोधित करते हैं। लेकिन मैटर ये करता है कि जिस जगह से किशोरीलाल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ का घर घर उनको जानता है। 40 साल से वो शख्स वहाँ पर काम कर रहा है और कांग्रेस ने भी बड़े स्ट्रेटेजिकली वहाँ पर चुनाव प्रचार को लेकर रणनीति बनाई। और आज जब वोटिंग के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हैं, स्मृति ईरानी बिखरी हुई सी परेशान नज़र आ रही है। कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जहां स्मृति ईरानी एक भंडारे में बिना बुलाए चली गई थी और वहां कैसे मंच पर ही फजीयत उन्हें झेलनी पड़ी और उन्हें धमकी देनी पड़ी, वो अपने आप में कहने के लिए काफ़ी है। मैं स्मृति ईरानी का आज फिर जिक्र क्यों कर रहा हूँ, उस पर आने से पहले मैं आपको 2-3 वीडियो दिखाता हूँ। एक वीडियो ये है, देखिए, ये अमेठी में महिलाएँ गाना गा रही हैं, महिलाओं का गाना सुनिए, फिर उसके बाद एक विजुअल और आपको दिखाता हूँ। अमेठी में मोहब्बत की दुकान, वो ज़रूर देखिए। और फिर तीसरा वीडियो देखिए जहाँ राजपूत समाज ने अमेठी में भी स्मृति ईरानी को हराने की कसम खाई है। तीनों के छोटे छोटे क्लिप आप देखिए जरा। मोहब्बत की दुकान पर जो बताते हैं कि फीका पकवान मिल रहा है, जरा तस्वीरें दिखाइए यहाँ पर। ये देखिए, मोहब्बत की दुकान है और ये अमेठी लोकसभा है और इसी लोकसभा में स्मृति ईरानी ये दावा करती, तमाम सारे करती, हम कितने गिनवाएं, और जो पब्लिक है वो ये दावा करती है कि हम सब साथ हैं, हम एकजुट हैं, हम में एकता है, भाईचारा है। अब बताइए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? हम चाहते हैं पूरे देश में शांति प्रिय तरीके से रहा जाए और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों को इस देश में रहना है, मजहब के नाम से इस देश को नहीं बांटा जाए, नहीं तो दोनों ही तरफ नुकसान होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की कोशिश करती है, अलग अलग बांटने की कोशिश करती है? बिल्कुल बांटने की राजनीति करती है, उसके हम पक्ष में नहीं है। आपको राम से कोई दिक्कत है? जी, राम से क्यों दिक्कत हो, वो तो एक राम राज राजा के लड़के थे और राम राज चलाते थे। आपको अल्लाह से कोई नाम पर देश को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत? आज इस अमेठी की धरती पर बाबा भैरवनाथ के प्रांगण में हम लोग शपथ लेते हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के खिलाफ, जिन जिन लोगों ने बोला है, महिला होते हुए भी महिला के सम्मान में जो लोग खड़े नहीं हुए, उनके खिलाफ, अब की बार इस सांसद चुनाव में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जवाब मांगा जाएगा आप सब लोगों से। मुझे
ये विनती है हर घर जाकर इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और सबको जागरूक करेंगे। अब की बार मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। माँ भगवती कसम खाकर हम ये शपथ लेते हैं, अब की बार चुनाव में इस पार्टी को हराने का काम करेंगे। ये मैंने अपने मुद्दे पे आने से पहले आपको दिखाया कि अमेठी में आज की डेट में माहौल क्या है। स्मृति ईरानी की परेशानी मैं बताता हूँ आपको। स्मृति ईरानी क्यों मुझे लग रहा है कि हार मान चुकी है ऑलरेडी। जरा ये अखबार की हेडलाइन देखिए। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि मेरा मुकाबला प्रियंका गांधी वाड्रा से है क्योंकि पर्दे के पीछे वो चुनाव लड़ रही हैं। अरे पर्दे के पीछे तो पूरे देश में आपके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, यानी जहां जहां ऑपोजिशन का कैंडिडेट जीतेगा वहां वहां बीजेपी मानती है कि प्रधानमंत्री हारेंगे। पर्दे के पीछे तो बहुत नेता लड़ते हैं। अब इनके स्मृति ईरानी के लिए योगी आदित्यनाथ बेचारे लगातार 2-3 बार जा चुके हैं वहां पर, मंत्रियों की ड्यूटी लगा रखी है, 40 नेता वहां पर बीजेपी के तैनात हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ की हार मानी जाएगी स्मृति ईरानी की हार? और हो भी सकता है योगी आदित्यनाथ बेचारे चेहरे पे मजबूरी सी दिख रही है जब स्मृति ईरानी के वहाँ जा रहे हैं कि गले में हड्डी की तरह फंस गई है उनके। जेपी नड्डा भी जा चुके हैं। अब स्मृति ईरानी इतने बड़े स्टेचर की नेत्री, किशोरी लाल शर्मा बेचारे उन्हीं के चमचों की जुबानी मुंशी, अब एक मुंशी जी को हराने के लिए इतनी बड़ी नेत्री को राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बुलाना पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 2-3 बार बुलाना पड़ रहा है और बहुत सारे मंत्री वहाँ पर हैं। 40 मंत्री मुख्यमंत्रियों की ड्यूटी वहाँ पर लगी हुई है और शायद प्रधानमंत्री भी आएंगे। ऊपर से अब जब वो बहाना ढूंढ रही कि स्मृति ईरानी हार जाएंगी और हारने के बाद उन्हें जितना सदमा लगेगा शायद किसी को नहीं लगेगा, क्योंकि इतनी बड़ी नेता अगर हार गई, वो भी एक ऐसे नेता से जिसे कोई जानता तक नहीं था नॉमिनेशन वाले दिन से पहले, उसके हाथ हारना बहुत बड़ी शर्म की बात होगी। स्मृति ईरानी जानती है कि जिस दिन वो हारी उस दिन उनके पॉलिटिकल करियर पर फुल स्टॉप लग जाएगा, इसलिए बहाने अभी से तलाशने लगी है कि अगर हार गई तो कम से कम ये कह सकती हैं कि किशोरी लाल शर्मा तो सिर्फ मुखौटा था, मेरा मुकाबला तो प्रियंका गांधी से था और पर्दे के पीछे चालाकी से उन्होंने मुझे हरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जो भी है उस सारे बहाने करेगी। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये बहाने ढूंढने शुरू कर दिए हैं स्मृति ईरानी ने हार से बचने के लिए या हार का ठीकरा किसी और के सिर फोड़ने के लिए। आज मोदी जी की नीयत क्या है, आपकी सांसद की नीयत क्या है, आप समझ लीजिए। यहाँ आई क्यों, अमेठी क्यों आई? कोई पुराना रिश्ता था अमेठी की जनता से, कोई प्रेम था, लगाव था? क्या ये सोच के आए कि भाई यहाँ अमेठी में बहुत पिछड़ापन है, उसको दूर करना है, या यहाँ की बहनें बहुत संकट में हैं, उन्हें मदद करनी है? नहीं, वो तो एक ही मकसद से आई थी कि राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, चीखना चिल्लाना है, उनके बारे में झूठ फैलाने हैं ताकि पूरा देश देखे और जोर से चीखो, पूरा देश, पूरी देश की मीडिया आके आप भी रोज रोज दिखाएंगे टीवी पे, राहुल गांधी के खिलाफ लड़ना है, राहुल गांधी को हराना है। बस यही मकसद था और कोई मकसद ही नहीं था। आ गई, जीत गई चुनाव और आप भुगत रहे हो। आपके लिए एक काम सुना दें, एक काम सुना दें जो किया है, एक बार मंच पे आकर ये कह दें, हमें गाली देनी देने के बजाय यही कह दें कि भाई हमने इतने रोजगार दिए, हमने ये पाठशालाएं खोली, हमने सड़कें बनाई, हमने ये सुविधा दी आपको स्वास्थ्य के लिए, एक बार बोल दें। मंच पे आती हैं बस शुरू हो जाती हैं, हमें गाली देना, हमारे परिवार को, राजीव जी जैसे शहीद को देशद्रोही कहना, ये कहना कि हम लूटने आए थे, चोरी करने आए थे। मैंने जानबूझ के आपको प्रियंका गांधी का ये बयान सुनाया क्योंकि दरअसल स्मृति ईरानी के लिए जो पहले मैंने विजुअल दिखाया वो इसी वजह से है कि प्रियंका गांधी ने अमेठी के दिल में सच बिठा दिया है। वो सच ये है कि किस तरह से एक योजना के तहत, एक मिशन के तहत स्मृति ईरानी अमेठी आई थी, जानबूझ के उस परिवार के बारे में उसके बाद से लगातार 10 साल से अनर्गल बोल रही हैं, लोगों के दिल में उनके खिलाफ नफरत घोली, राष्ट्रीय मीडिया को मिलाकर एक हवा बनाई और एक साजिश के तहत
राहुल गांधी को 2019 में हराया। लोगों को हालांकि चीज़ें समझ में आ गई थी, लेकिन प्रियंका गांधी ने अब घर घर जाकर छोटी छोटी सभाएं करके ये चीज़ें बिल्कुल साफ कर दी हैं। ऊपर से स्मृति ईरानी के लिए टेंशन ये कि कांग्रेस ने एक और चीज़ बहुत ज़बरदस्त करी कि अपनी पार्टी में संगठन में जो जिसको कहते हैं ना कि जादूगर, राजनीति का जादूगर अशोक गहलोत, उसे अमेठी में भेज दिया। अब जादूगर अमेठी में आए हैं और जादू ना हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ये विजुअल देखिए, सोच सकते हैं कि अभी कुछ महीने पहले तक जो एक राजस्थान जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री था वो चाय की दुकान पे बैठ के चाय पीते हुए लोगों के साथ आम आदमी की तरह बातचीत कर रहा है। ये स्ट्रेटेजी अमेठी में बहुत काम कर रही है अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत दुकान दुकान, गली गली, घर घर जाकर कांग्रेस की गारंटियाँ बाँट रहे हैं। अशोक गहलोत ने दरअसल मुझे लगता है कि अंदर खाते में जो कहते हैं ना कि पीछे से वार किया है और बहुत बुरी तरह से स्मृति ईरानी की जड़ें काट दिए। अशोक गहलोत ने वो काम किया है किशोरी लाल शर्मा के लिए, कांग्रेस के लिए अमेठी में। कांग्रेस को कामयाब करना, किशोरी लाल शर्मा जो है 40 साल यहाँ काम कर रहे थे कार्यकर्ता के रूप में, उनको मौका मिला कांग्रेस हाईकमांड से, खड़गे साहब ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने इनको उम्मीदवार बनाया है, तो लोगों के माइंड में आ गया ये जीतेंगे तो हमारे बीच में रहेंगे, ये जीतेंगे तो हमारे सुख दुख में काम आएंगे, और ये जीतेंगे तो जो ये अनुभव रखते हैं यहाँ पर, अनुभव है 40 साल का, वो आगे बढ़ेगा काम जो राजीव जी ने, सोनिया जी ने अपने जमाने में काम किया, राहुल गांधी जी ने, वो काम रुक गए हैं 5 साल से। जब से स्मृति ईरानी जी कामयाब हुई है, उनकी पहले तो उन्होंने खूब भ्रम फैलाया यहाँ पर 14 से 19 तक, तो फिर बालाकोट होगा कि एक बार जीत गई, अब 5 साल वो आई नहीं यहाँ पर, 6 महीने पहले आने लगी है। अब जाके पहले बालाघर में यहाँ रहूंगे मकान बना के, अब उन्होंने 6 महीने पहले, 4 महीने पहले अपना मुहूर्त किया है मकान बनाने का, ट्रिपल आईडी ले गए यहाँ से, अस्पताल बंद हो गया था वहां पर हाईकोर्ट का आदेश खुला है, तो हर मुझे आश्चर्य हो रहा है, हर मतदाता के जहन के अंदर ये सब बातें हैं। अब ऊपर से आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पहुंच गए। अब आप कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे, मुझे मालूम है कमेंट में कहेंगे कि अगर स्मृति ईरानी के लिए योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, जेपी नड्डा जा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, किशोरी लाल शर्मा के लिए तो प्रियंका गांधी वहीं डटी हैं, अशोक गहलोत वहीं डटे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जा रहे हैं, राहुल गांधी भी जा रहे हैं। जी हाँ, वो जा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा ना किशोरी लाल शर्मा है। जानते थे क्या नामांकन से पहले कि किशोरी लाल शर्मा कौन है? अगर वहाँ पर किशोरी लाल शर्मा की जगह कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ रहा होता, सोचिए अगर वहाँ से अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहे होते, तो क्या कांग्रेस पार्टी को इतना जोर लगाने की जरूरत थी? अगर सामने कोई बहुत छोटा सा नेता होता, कांग्रेस पार्टी को कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन किशोरी लाल शर्मा है, आपने जिस चक्रव्यूह के जरिए राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की थी, वही चक्रव्यूह आपकी ओपोनेंट कांग्रेस अब आप पे इस्तेमाल कर रही है, आपको फंसा दिया बुरी तरह से। स्मृति ईरानी बेचारी अमेठी से रायबरेली तक भी नहीं जा पा रही, अमेठी में इस तरह से बुरी तरह से फंस चुकी हैं। जीती भी, मैं कहता हूँ अगर जीती भी तो कोई बहुत बड़ी जीत नहीं मानी जाएगी, कोई बहुत बड़ा जो है वो हिस्ट्री में नाम नहीं लिखा जाएगा स्मृति ईरानी का, जैसे 2019 में उन्होंने अपने लिए एक अलग मुकाम हासिल कर लिया था कि किशोरी लाल शर्मा सर। और मैं तो कहता हूँ आज की डेट में जो रायबरेली अमेठी जा रहा है, जो पत्रकार है, इंडिपेंडेंट पत्रकार है या गोदी पत्रकार है, गोदी पत्रकार भी आपको ऑफ द कैमरा बता देगा कि स्मृति ईरानी बहुत मुश्किल में फंस चुकी है। इसीलिए खड़गे जी ने बाकायदा सच कहा कि जनता ये चुनाव जो है किशोरी लाल शर्मा नहीं लड़ रहे दरअसल अमेठी में, ये जनता लड़ रही है स्मृति ईरानी के खिलाफ, जो आज भी सवाल पूछती है स्मृति ईरानी से, कहाँ गई वो 13 रुपये किलो चीनी और कहाँ गया वो 400 रुपये वाला सिलेंडर। ये है शर्मा साहब जो राहुल गांधी जी के सिपाही बन के आए थे, आज कैप्टन बन के यहाँ काम कर रहे हैं। इसके लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी तो रात दिन फिर रही, और उन्होंने ये बोला, ये समझो ये मैं ठहरी हूं, गांधी फैमिली वाले ठहरे हैं, हम इनके लिए मेहनत करेंगे, और किसी हालत में अमेठी का कैंडिडेट
जीत के लाएंगे, ये हमारा काम। और वही बात हमारे एसपी के लोग बोले उन्हों कि जो अखिलेश ने हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था वही बात उन्होंने कहा। और घबराओ मत, इस बार सब जाति के लोग, सब समाज के लोग, सब धर्म के लोग आपके साथ हैं, क्योंकि ये इलेक्शन लोग लड़ रहे हैं, आप नहीं, तुम्हारे तरफ से लोग लड़ रहे हैं। और जब लोग लड़ते हैं कामयाबी ज्यादा होती है, तो इसलिए मैं आपसे ज्यादा कुछ न कहे बगैर इतना ही कहूंगा कि आप सभी मिलके एक होकर आप लड़ते रहिए, और उस दिन जिताना आपका काम है। अगर कुछ ना कुछ इसमें गलती हो गई, कोई अगर पोलिंग बूथ को नहीं गए, तो हमारा नुकसान है। सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसका है, वोट अगर नहीं डालेंगे, बूथ पर अगर नहीं जाएंगे, केएल शर्मा को अगर नहीं जिताएंगे, सबसे बड़ा नुकसान दलित, आदिवासी, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटीज, ये सबका है। ये मोहब्बत की दुकान का अमेठी का जो मैंने दिखाया था ना, मोहब्बत की दुकान का असर है कि अमेठी वालों को और रायबरेली के लोगों को मोहब्बत की दुकान का मतलब समझ में आ गया कि क्या ज़रूरत है मोहब्बत की। और दूसरी बात, इस मोहब्बत की दुकान को और ज़्यादा हवा प्रधानमंत्री खुद दे रहे हैं, जो रोज़ हिंदू मुसलमान करें। अब तो झूठ का पुलिंदा इतना प्रधानमंत्री ने बिखेर दिया है कि अब तो लोगों को उनकी सच्ची बात पर भी शायद विश्वास नहीं होता। और जिस तरह से बाकी उत्तर भारत के राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में खास करके बीजेपी की हालत हो रही है ना, वो देखने लायक है। हरियाणा के मैंने आपको कई बार दिखाए ना विजुअल, पंजाब के दिखाए थे कि पंजाब में नॉमिनेशन फाइल करने के लिए भी कितनी सिक्योरिटी थी। आज ये देखिए, ये पंजाब के लुधियाना में बीजेपी के उम्मीदवार कैसे भाग रहे हैं। आपको पता है ये उम्मीदवार कौन है? ये वही उम्मीदवार हैं जो कुछ दिन पहले तक कांग्रेस का झंडा लेकर संसद के बाहर खूब गरियाते थे मोदी जी और बीजेपी को, रवनीत बिट्टू। और फिर चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। अब बीजेपी से लुधियाना से चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसे भागना पड़ रहा है, किसान ऐसे भगा रहे हैं उनको। और ये हालत अभी तो इस उत्तर भारत के इन राज्यों में है, धीरे धीरे पूरे भारत में बीजेपी के नेताओं की यही हालत होने वाली है अगर इसी तरह का चुनाव बीजेपी लड़ती रही और इसी तरह की अनर्गल बातें बीजेपी करती रही। क्योंकि बात लोग पूछते हैं बेरोजगारी की, बात लोग पूछते हैं महंगाई की, बात लोग पूछते हैं जो हमारे की गरीबी की, लेकिन उधर से बात कहाँ की आती है? हिंदू मुसलमान पीओके की, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। 10 साल से यही बीजेपी की हारी है, 10 साल हो गए सुनते हुए। 2014 में भी यही नारा दिया था कि मोदी जी आएंगे, पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत में मिलाएंगे। आज 10 साल बाद तीसरा चुनाव है, आज भी वही नारा दे रहे हैं। कब तक एक लॉलीपॉप से इस जनता को बेवकूफ बनाएंगे? मैं एक पार्टी स्पोक्स पर्सन या पार्टी सपोर्टर के उससे नहीं बोल रहा हूँ, एक आम जनता के इससे सवाल पूछ रहा हूँ कि कब तक हम लोगों को यही लॉलीपॉप दिया जाएगा कि एक दिन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आप जिता दीजिए, हम उसे भारत में मिला लेंगे, जबकि जानते सभी हैं कि सच्चाई क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।